Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So, आज जो यहाँ पे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशंस का, और इसमें जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ, और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, राइट, इसे डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, और इसके अलावा आपके हेनरीज लॉ को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक जो चालू करते हैं हेनरीज लॉ का, यहाँ पे इसके स्टेटमेंट से चालू करते हैं. तो हम यहाँ लिखते हैं कि द लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉरी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of gas dissolved in the solution. तो आपके जो है सोल्यूशन में, तो ये लॉ क्या कह रहा है कि आपका जो प्रेशर होगा कोई भी पर्टिकुलर गैस का, राइट, सोल्यूशन के ऊपर, तो वो जो आपका प्रेशर है कोई पर्टिकुलर गैस का उस सोल्यूशन के ऊपर, जो कि आपका गैस इन लिक्विड का, तो गैस बेसिकली डिजोल्व हो रहा है आपके लिक्विड में, तो वो जो है बेसिकली आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जितना भी डिजोल्व है सोल्यूशन में. तो जितना आपका वेपर प्रेशर में, जो वो वेपर वाला हिस्सा है उसमें जितना भी आपका प्रेशर आ रहा है कोई पर्टिकुलर गैस का जो आप मिक्स कर रहे हो, राइट, वो आपका प्रोपोर्शनल होगा जितना वो गैस के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है. तो ये आपका जो है हेनरीज लॉ कहते हैं हम. और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैथमेटिकली ये होगा आपका प्रेशर ऑफ गैस, मान लीजिए पी ऑफ गैस लिखा, दिस इज के एच मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली आपका पी गैस क्या है, प्रेशर है, राइट, आपका एक्स गैस जो लिखा है वो हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, राइट. तो ये आपका जो है हेनरीज लॉ है, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम एक्सपेरिमेंट से देखें तो इसको जो है सबसे पहले जो है किसने बताया था, ऑब्वियसली हेनरी ने, क्योंकि उन्हीं के नाम पे लॉ है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, राइट, तो हम पार्शियल प्रेशर की जगह पे आप जो है इसको सिर्फ अगर प्रेशर भी पढ़ोगे कि प्रेशर ऑफ HCl, मतलब HCl कितना प्रेशर आपका कंट्रीब्यूट करता है, वो आपका पार्शियल प्रेशर होगा, राइट. तो अगर हम वो टॉर में ले और अगर हम मोल फ्रैक्शन देखें HCl का सोल्यूशन के अंदर, कौन से सोल्यूशन के अंदर, वो है साइक्लो हेक्सेन के अंदर, राइट. तो जब कभी भी इसमें मिक्सचर होगा तो हम देखेंगे जैसे जैसे जो है आप प्रेशर बढ़ाते, जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी HCl का बढ़ता जाएगा, राइट. तो ये आपका जो है इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा. इसके अलावा अगर हमने जो है साइंटिफिकली अगर हमने ऑब्जर्व किया है तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो है आपके अलग अलग गैसेस का अलग अलग जो है हेनरी वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू आया है. तो यहाँ पे अगर हम गैसेस की वैल्यूज़ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल गैस के लिए एक ही टेम्परेचर पे आपके अलग अलग वैल्यूज है. फॉर एग्जांपल यहाँ 293 केल्विन पे आपका यहाँ पे वैल्यू है हीलियम का H2 144.97 और H2 की वैल्यू है 69.16. तो इसका मतलब क्या निकलता है, अब उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. सो एज द वैल्यू ऑफ के एच इज हायर एट ए गिवन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब आपने सेम टेम्परेचर पे अगर लेट्स से आपने यहाँ पे जो है के एच की वैल्यू अगर आपने स्टडी करने की कोशिश की तो क्या होगा, कैसे देखना है. सो अब अगर हमें हेनरी लॉ देखना है, राइट, हेनरी लॉ में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो और आपका यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, राइट. तो अगर मान लीजिए मैंने सेम टेम्परेचर रखा और सेम आपका
मोल फ्रैक्शन लिया दोनों पर्टिकुलर दोनों गैसेस के लिए, राइट। तो अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ के एच आपका ज़्यादा आएगा तो आपका यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस क्या आएगा, आपका ज़्यादा आएगा। इसका मतलब आपका वो गैशियस फेज में ज़्यादा रहना पसंद करेगा रादर देन लिक्विड फेज के अंदर, राइट। सो हम कहेंगे यहाँ पे एज द वैल्यू ऑफ के एच इज हायर एट अ गिवन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड विल बी हायर, राइट। तो यहाँ पे के एच की वैल्यू हायर होने की वजह से आपका वहाँ पे प्रेशर ऑफ जो गैस है वो हायर होगा एट सेम मोल फ्रैक्शन। तो आपका यहाँ पे जो है एक और चीज़ हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन चलिए दोनों का जो है सेम ले लेते हैं, विच सिग्निफाइज दैट द गैस इज लेस सॉल्यूबल। तो जब जब आपकी वैल्यू यहाँ पे जो है हायर रहेगी, राइट, यहाँ पे हम जो है इसको बोल्ड पॉइंट से लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रहेगा। तो अगर के एच की वैल्यू हाई हुई तो यहाँ पे अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो वो और लेस सॉल्युबल होगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगेन आपका जो प्रेशर है प्रेशर आपका ज़्यादा होता जाएगा, राइट। तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी इसका मतलब गैसियस फेज में ज़्यादा है, तो इसीलिए वो उसकी वैल्यू आप वो जो है आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एच ई और एच टू की बात करें तो यहाँ पे सिंस आपका एच टू जो है ज़्यादा सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर के एच की वैल्यू जो है इसकी कम है, राइट। सो ऐसे जो है हम बाकी दूसरे गैसेज में भी इस तरीके से कंपेरिजन करके हम वैल्यूज देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।